नमस्कार। आज मैं आपको खीर बनाना बताती हूँ। खीर तो हमारे भारतीय त्योहारों पे हमेशा बनाई जाती है और खीर तो बहुत ही टेस्टी बनती है। खीर पूड़ी, खीर के साथ कचौड़ी, खीर का अलग ही स्वाद है। चलिए बनाते हैं दूध की गाढ़ी गाढ़ी खीर। इसके लिए चाहिए हमें, ये मैंने लिया है 1.5 लीटर दूध और 100 ग्राम चावल। 1.5 लीटर में आप 100 ग्राम चावल डालकर बनाएं तो खीर बिल्कुल परफेक्ट बनती है। अब दूध को हम खोलने के लिए गैस पे रख दिया है। दूध में जब तक उबाल ना आए जब तक हमें चावल नहीं डालने, और एक साइड में हमने चावल धो लिए हैं और धोकर हम इसमें दूध में चावल डालेंगे। चावल को अच्छा धो लीजिए जब तक इसका साफ पानी ना निकले, और फिर हम इसे इसमें डालकर थोड़ी थोड़ी देर बाद चलाते रहें जिससे कि ये नीचे तले में ना लगे, क्योंकि लगने के बाद में खीर का टेस्ट बेकार हो जाएगा और वैसे खीर बहुत टेस्टी लगती है। चलिए देखते हैं ड्राई फ्रूट्स। बादाम, काजू और किशमिश, इलायची, चिरौंजी और पिस्ता, ये मैंने ड्राई फ्रूट्स में लिए हैं। जो आपके पास हो आप वो यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपको नारियल अच्छा लगता हो तो कद्दूकस करके आप इसमें नारियल भी यूज़ करें। और हम देखिए खीर में चावल डाल दिए हैं, चावल गलने लगे हैं मीडियम फ्लेम पर। आप खीर को धीरे धीरे होने दीजिए, जितनी धीरे धीरे खोलेगी उतनी ही खीर टेस्टी होगी और उसका टेस्ट भी बहुत बढ़ जाता है। अब हम जो ड्राई फ्रूट्स काटने वाले हैं उन्हें काट कर रख लेते हैं, और किशमिश को सबसे बाद में डालते हैं खीर में, और बाकी के ड्राई फ्रूट्स आप जब चावल गल जाए तब आप डाल लें। अगर आपका 1.5 लीटर दूध है तो आपको उसमें 150 ग्राम चीनी डालनी है जिससे कि आपका मीठा अच्छा हो जाता है। अगर आप अच्छा खाते हैं नहीं तो आप 100 ग्राम चीनी भी डाल सकते हैं। अब ये इलायची के छिलके छुड़ा के फिर हम इन्हें कूट कर रख लेंगे। अब ये सारे ड्राई फ्रूट्स हम धो कर रख लेते हैं जिससे कि हमारी खीर बनने लगेगी, तब हम उसके बाद में ड्राई फ्रूट्स का यूज़ करेंगे। देखिए चावल काफ़ी गल चुके हैं, अब ये सारे ड्राई फ्रूट्स डाल देते हैं जिससे कि थोड़ी देरी ड्राई फ्रूट्स भी खीर में गल थोड़ा सा हो जाएंगे तो अच्छा टेस्ट आ जाता है इनसे, और खीर भी हमारी गाढ़ी काफ़ी होने लगी है। और खीर रख के भी गाढ़ी होती है। कभी आपको लगे थोड़ी पतली है, फिर अगर आप इसे 1-1.5 घंटे के लिए रखेंगे तो आपकी खीर गाढ़ी हो जाएगी। और देखिए मैं इसमें चीनी डाल देती हूँ क्योंकि मेरी खीर गाढ़ी हो चुकी है। चीनी डालकर फिर अब इसमें थोड़ी देर बाद आप किशमिश वगैरह भी डाल सकते हैं, किशमिश और इलायची। और खीर का तो टेस्ट ही अलग है, देखिए खुशबू कितनी अच्छी आ रही है इसमें। धीमे धीमे आप पकाएंगे तो अलग ही खुशबू होती है। आप इसे फ्रिज में रख के खाएं ठंडी खीर, या कुल्लड़ में रख के फ्रिज में रख दीजिए तो उसकी तो कुछ खुशबू ही अलग होगी। एक तो मिट्टी के कुल्लड़ की खुशबू और दूसरा फिर वो खीर बनाई है उसकी खुशबू। आप ठंडी करके कुल्हड़ में रख के फ्रिज में खाएं तो बहुत ही टेस्टी लगेगी आपको। और देखिए अब मैंने किशमिश भी डाल दी है और अब मेरी खीर बनकर तैयार है। देखिए बनकर तैयार है हमारी खीर, और आप बताएं कैसी लगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं जिससे कि आपको आने वाली रेसिपी की जानकारी मिलती रहे। फिर मिलते हैं।